हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। ऐसा है कि हमने पिछले वीडियो में कुछ सिनोनिम्स पढ़े थे, उसी सीक्वेंस में हम कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे और फिर हम एक एक ऑप्शन को समझते जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम याद हो सकें। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। द स्क्विरल इज सो टेम इट ईट्स आउट ऑफ हिज हैंड, यानी गिलहरी इतनी पालतू है, इतनी टेम है कि वो उसके हाथ से खाती है। ये पूछ रहा है इस जो टेम वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो टेम जो होता है उसका होता है कंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल किया जा सके, जो पालतू हो, है जिसको शांत किया जा सके, वो टेम कहलाता है। तो अंग्रेजी में इसका सिनोनिम्स जो होगा वो कौन सा होगा, देखिए, कंप्लायंट। कंप्लायंट का अर्थ भी क्या होता है, जिसको कंट्रोल किया जा सके। सबड्यू का अर्थ भी जिसको कंट्रोल किया जा सके या जिसको नियंत्रित किया जा सके, है। कंप्लायंट का मतलब अनुकूल भी होता है, ध्यान देना है, अनुकूल जो होता है, नियमों के अनुकूल जो होता है उसको भी कंप्लायंट कहते हैं। जो किसी आदमी के भी अनुकूल होता है उसको भी कंप्लायंट कहते हैं। तो ये कंप्लायंट और सबड्यू, ये दोनों के दोनों ही क्या हुए, इसके आंसर हुए। दोनों के दोनों इसके क्या हुए, आंसर हुए। तो हमारा आंसर आ गया कंप्लायंट एंड सबड्यू। तो बोथ ए एंड बी, ये ए और बी जो है वो हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर हमारा ये कौन सा हुआ, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर ये आ गया है। तो कंप्लायंट का अर्थ भी आपको मैंने बता दिया, क्या बताया था, कंप्लायंट का अर्थ बताया था अनुकूल होना, नियंत्रित होना, शांत होना, ये। और टेम का अर्थ भी यही होता है और सबड्यू का अर्थ भी यही होता है। ओके, तो ये टेम के जो सिनोनिम्स हुए वो हुए कंप्लायंट एंड सबड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ही सेड 75 डिसेबल्ड वेज इन द सिटी आर नाउ कंप्लायंट विद द टेक्निकल रूल्स। उसने कहा कि जो डिसेबल्ड वेज हैं शहर के अंदर, जो अयोग्य खाड़ियां हैं, वो क्या है, कंप्लायंट विद द टेक्निकल रूल्स, तकनीकी नियमों के अनुकूल है, कंप्लायंट है। तो ये पूछ रहा है इसका एंटोनिम क्या होगा पहले। अब इसका एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इसका मतलब वो वाइल्ड होंगे, वाइल्ड मतलब खतरनाक होंगे, नियमों के अनुकूल नहीं होते हैं, अनटेम्ड जो होते हैं, जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सके, वो भी क्या है, कंप्लायंट नहीं होते। इसका मतलब अनटेम्ड होते हैं और वाइल्ड होते हैं। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, इनका आंसर सही हुआ बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। और सबड्यू का अर्थ शांत होना होता है, ये कंप्लाइंट का बिल्कुल सिनोनिम्स हो गया, जो कि अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पोल इज हियर, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, पोल इज हियर, आई शाउटेड ट्राइंग टू सबड्यू माई एक्साइटमेंट। यानी पोल यहां है, मैं चिल्लाया मेरी एक्साइटमेंट को सबड्यू करने के लिए, शांत करने के लिए। तो कहता है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सबड्यू का सिनोनिम क्या होगा, देखो आपको पता है सबड्यू का सिनोनिम क्या होता है, टेम। सबड्यू का सिनोनिम टेम होता है, सबड्यू का सिनोनिम कंप्लायंट होता है, लेकिन अनटेम्ड जो होता है वो इसका एंटोनिम्स होता है। तो हमें पूछा है सबड्यू का सिनोनिम, तो डी आंसर लिखा है बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर आ गया बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर आ गया डी। तो सबड्यू मीन्स शांत होना होता है, ठीक है ना। तो टेम भी इसका सिनोनिम्स है और कंप्लायंट भी इसका सिनोनिम्स है, जो कि अपने क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टेमी वाज स्टिल टायरो इन बेल्ट बट हर एंथुसियाज्म टू लर्न वाज इंस्पायरिंग। यानी टेमी जो था वो एक टायरो था। टायरो किसको कहते हैं, देखो टायरो किसको कहते हैं, टायरो वो व्यक्ति होता है जो 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 अनुभवी नहीं होता, और जो नौसिखिया होता है, नोविस जिसको बोलते हैं, या जो जिसने अभी अभी शुरुआत की है वो टायरो होता है। तो ये कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का टायरो का सिनोनिम पूछा है इसने, तो कौन सा होगा, सीधी सी बात है, जिसने अभी अभी शुरुआत की है, बिगिनर, ठीक है ना। प्रोफिशिएंट तो दक्ष होता है, निपुण होता है, वेटरन अनुभवी को कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आया,
ए, यानी बिगिनर। बिगिनर जो होता है वो टायरो कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टायरो किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ही हैज बीन सेंट डाउन फॉर राइटस बिहेवियर, यानी उसका राइटस बिहेवियर था इसलिए उसको भेज दिया गया। राइटस का मतलब उग्र, राइटस का मतलब क्या होता है? उग्र, उग्र व्यवहार जो होता है उसको राइटस कहते हैं। तो ध्यान देना है, सिनोनिम पूछा है, जो ट्रमल्टस का अर्थ भी उग्री होता है, अशांत करने वाला। राउडी, राउडी राठौड़ आपने सुना है, राउडी का मतलब क्या होता है? गुस्सेल। और ट्रिबुलेंट का अर्थ भी क्या होता है? गुस्सेल, यानी अशांत करने वाला। तो ये सारे के सारे इसके क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इस तरीके हमें एक एक ऑप्शन के ऊपर विचार करते हुए आगे चलना है, तभी आपको इसके आंसर समझ में आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इन द विंटर सी वियर्स थिक सॉक्स, विंटर में वह क्या क्या पहनती? थिक सॉक्स पहनती, मोटे सॉक्स। वेलिंगटन बूट्स एंड ग्लव्स, वेलिंगटन के बूट पहनती और ग्लव्स पहनती है। सिनोनिम पूछा है, थिक का सिनोनिम्स क्या होता है? तो ध्यान देना है, थिक मतलब मोटा, थिक मींस मोटा, और शरीर में मोटा होता है ना उसको भी चंकी कहते हैं, चंकी याद रखना, उसको चंकी कहते हैं, चंकी। मैसिव एलिफेंट बोलते हैं, मैसिव मोटा हाथी, मैसिव वजनदार भारी भरकम। तो थिक का मतलब भी वजनदार भारी भरकम, यानी मोटापन में लिया होता होता है। तो थिक से यहां मीनिंग जो है वो चंकी और मैसिव दोनों है, तो इसलिए ये बोथ ए एंड बी हमारा आंसर इसका आ गया कि ये चंकी भी कहते हैं थिक को और थिक को मैसिव भी कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा आया? ये ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हमारा आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। द सोपोरेनो वो चंकी गर्ल फ्रॉम कैलिफोर्निया। सोपोरेना है जो थी वो एक चंकी गर्ल थी, चंकी मतलब मोटी, शरीर में मोटी तकड़ी भारी भरकम जिसको बोलते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड, अब ये कहता है इसका एंटोनिम बताइए, मतलब इसका ऑपोजिट बताइए। इसका मतलब चंकी नहीं है वो, चंकी है तो चंकी मतलब मोटी, तो अब क्या है वो? थिन है, पतली है, सीधी सी बात है, इसका मतलब पतली सही है। अटेन्यूएटेड, अटेन्यूएटेड भी क्या होता है? पतला कर देना भी अटेन्यूएटेड होता है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर सही है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर जो सही आएगा वो ए एंड बी हमारा दोनों आंसर आ जाएंगे। तो ये जो हमारे आंसर थे ये गलत थे। पहली बात, चंकी का ऑपोजिट तो सही है, अटेन्यूएटेड का ऑपोजिट तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो आएगा बोथ ए एंड बी, यानी चंकी का जो सिन एंटोनिम्स होगा वो थिंक और अटेन्यूएटेड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। रेडिएशन फ्रॉम द सन इज अटेन्यूएटेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये कहता है रेडिएशन फ्रॉम द सन, सूर्य की जो विकिरणें हैं वो अटेन्यूएट हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के द्वारा अटेन्यूएट हो जाती है, मतलब उनकी जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है, अटेन्यूएट हो जाती है, पतली हो जाती है वो। सिनोनिम क्या है इसका? तो सिनोनिम पता है आपको क्या कहते हैं? देखो, अटेन्यूएटेड थिंक नहीं, थिक नहीं हो सकता, मोटा नहीं हो सकता, मैसिव नहीं हो सकता, चंकी नहीं हो सकता। इसका मतलब अटेन्यूएटेड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? थिन होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आया? थिन। तो हमारा आंसर आ गया थिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ही इश्यूड टर्स स्टेटमेंट, उसने संक्षिप्त स्टेटमेंट जारी किया। टर्स का मतलब भी क्या होता है? छोटा होता है, संक्षिप्त। और अब इसका पूछ रहा है एंटोनिम, इसका एंटोनिम बताना है आपको, टर्स का एंटोनिम बताना है। तो ध्यान देना है, टर्स का एंटोनिम कौन सा होगा? टर्स, ध्यान देना, टर्स क्या होता है? इनसाइजिव, इनसाइजिव और कॉम्पैक्ट। इनसाइजिव या इनसाइजिव कटा हुआ थोड़ा टुड़ा मुड़ा जो छोटा होता है उसको, कॉम्पैक्ट माने संकुचित होता है, तो जेंटल माने सामान्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ है? सामान्य स्टेटमेंट नहीं है वो, टर्स स्टेटमेंट है। तो टर्स का जो एंटोनिम होगा वो होगा जेंटल। टर्स का एंटोनिम कौन सा होगा? जेंटल। और इसके सिनोनिम्स कौन से बच गए फिर? इसके सिनोनिम्स बच गए इनसाइजिव या कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट। ओके, द हीट फ्रॉम द रेडिएटर डिफ्यूजेस थ्रू आउट द रूम, यानी रेडिएटर की जो हीट है वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो गई, मतलब फैल गई। तो डिफ्यूज का मतलब फैल जाना होता है, इसका मतलब क्या हुआ? फैलने की। सिनोनिम्स पूछा है इसने, देखिए सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो क्या बोलेंगे? स्कैटर माने फैलना, डिस्पर्स मींस फैलना, डिस्पेंस मींस फैलना,
ये तीनों की तीनों वर्ड जो हैं, इन तीनों का अर्थ भी अगर हम यहाँ यूज करें, द हीट फ्रॉम द रेडिएटर स्केटर्स थ्रू आउट द रूम, बिल्कुल सही है। द हीट फ्रॉम द रेडिएटर डिस्पर्सेस थ्रू आउट द रूम, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ? ऑल डी, डी हमारा आंसर हुआ कि ये जो डिफ्यूज है इसका मीनिंग क्या होगा? स्केटर, स्केटर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द फिल्म वो आई वॉज मेकिंग वरंट इंसाइसिव इनफ, जो फिल्म मैं बना रहा था वो ज्यादा इंसाइसिव नहीं थी। इंसाइसिव का मतलब क्या है? इंसाइसिव का मतलब छोटी नहीं थी या टूटी फूटी भी नहीं थी, इंसाइसिव नहीं थी। तो इसका सिनोनिम्स पूछा है, इसका मतलब इतनी छोटी भी नहीं थी, तो कॉम्पैक्ट नहीं थी, टर्स नहीं थी, तो ये दोनों ही इसके क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। तो जेंटल तो हो नहीं सकता, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा कि जो फिल्म जो मैं बना रहा था वो इंसाइसिव नहीं थी या टर्स नहीं थी या कॉम्पैक्ट नहीं थी, संकुचित नहीं थी, बढ़िया थी, अच्छी बनाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डोंट फियर फ्रॉम दिस डॉग, इस डॉग से डरिए मत, इट इज वेरी जेंटल, ये बहुत जेंटल है, मतलब सीधा साधा है। एंटोनिम पूछा है, सीधा साधे का एंटोनिम क्या होगा? सीधा साधे का एंटोनिम होगा क्रूड, निर्दयी, वल्गर, अग्रेसिव, ये तीनों के तीनों ही इसके सही हो गए। वल्गर मीन्स क्या होता है? बेकार, भद्दा, अग्रेसिव, आक्रामक, क्रूड, निर्दयी। तो इसका मतलब ये क्या क्या पूछा इसने? हाँ, जेंटल का एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम सारे हुए। ये जो यहाँ पर नन शब्द लिखा हुआ है, नन नहीं है, ये वर्ड है ऑल, तो सारे एंटोनिम हो गए, तो हमारा आंसर आ गया ऑल, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एंटोनिम इसके हैं, तो ऑल लिख देंगे, जेंटल का ऑल हो जाएगा। सी हैज अ डिसर्निंग आई फॉर आर्ट, डिसर्निंग कौन सी होती? खोजी आंखें, खोजी प्रवृत्ति की आंखें, जो पहचान लेती है उसको डिसर्निंग आई बोलते हैं, हैं? जो गहरी पहचान कर लेती है वो डिसर्निंग आई बोलते हैं। तो अब देखो, गहरी पहचान करने वाली डिसर्निंग होती है, तो गहरे को डिसर्निंग कहते, ऊपर ऊपर वाले को क्या कहेंगे? पार्शियल मतलब हल्की फुल्की, आंशिक, शैलो, छिछली, सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एंटोनिम हुए इसके, डिसर्निंग के एंटोनिम के पार्शियल, पार्शियल मतलब आंशिक, शैलो मतलब ऊपरी तौर पर, सुपरफिशियल बनावटी रूप में, तो वो डिसर्निंग है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हम आ जाएगा ऑल, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑल। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देन आई रियलाइज्ड आई वुडंट हैव एनी प्रोफाउंड थॉट्स, देन आई रियलाइज्ड आई वुडंट हैव एनी प्रोफाउंड थॉट्स, प्रोफाउंड मतलब गहरी, ये देखिए प्रोफाउंड मीन्स गहरी होती है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इज, वर्ड का सिनोनिम्स हमने पहले पढ़ लिया, सिनोनिम्स डिसर्निंग होता है, डिसर्निंग मीन्स भी गहरी होती है, तो डिसर्निंग का मीनिंग भी क्या हो गया? गहरा। तो ये पार्शियल शब्द जो लिखा है इसका मतलब ऊपरी ऊपरी, छिछली, शैलो, सुपरफिशियल, ये इसके एंटोनिम है। डिसर्निंग और प्रोफाउंड दोनों के दोनों क्या हुआ? सिनोनिम्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए हमारा, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सुपरफिशियल, यानी अधिकांश समस्याएं क्या सुपरफिशियल है, एंड हैव नो रियल सब्सटेंस, और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी तौर पर बनावटी है, तो द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम क्या होगा? सुपरफिशियल का एंटोनिम प्रोफाउंड भी होगा, डिसर्निंग भी होगा, गहरी, और डिसर्निंग का मतलब खोजी, तो इसका मतलब गहरी, महत्वपूर्ण। ये जो समस्याएं हैं आपके सामने बताई गई, तो ये इसका आंसर कौन सा आया? बोथ ए एंड बी, तो हमारा आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, एक एक सिनोनिम्स को ध्यान से, हर ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो आपके सारे समझ में आ जाएंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको ये फिर समझ में आने वाला नहीं है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, थैंक यू।